नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। बीटमा, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के शहरों की सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय लोकाचार के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से नगर गौरव दिवस मनाने का निर्देश दिए थे। उसी के तहत 1 दिसंबर गुरुवार को बेटमा नगर गौरव दिवस मनाया गया। इस क्रम में बेटमा के प्रमुख पूरा बाजार में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नगर के 13 स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इसके अंतर्गत समूह नृत्य और शिक्षा प्रद नाटकों की प्रस्तुति दी गई। सभी स्कूलों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नायब तहसीलदार, पार्षदगण, जनप्रतिनिधियों के साथ गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। आज बेटमा के अंदर गौरव दिवस मनाया गया है, क्योंकि बेटमा परिषद की स्थापना 1980 के अंदर हुई थी 1 दिसंबर के दिन। इसी विषय के तहत आज बेटमा गौरव दिवस मनाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी चौहान के आदेश अनुसार और माननीय मनोज पटेल जी के मार्गदर्शन में आज के कार्यक्रम के अंदर बेटमा के प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। बेटमा के अंदर 20 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिनको गौरव सम्मान दिया गया। इसमें कोई चिकित्सा के क्षेत्र में थे तो कोई शिक्षा के क्षेत्र में, तो कोई सामाजिक कार्य के रूप में, कोई न्याय संगत के रूप में, जिन्होंने बेटमा का नाम रोशन करा। बेटमा में और भी प्रतिभाएं हैं जिनको सम्मानित करने से हम थोड़ा चुप गए हैं। ऐसा नहीं बेटमा में प्रतिभाएं की कमी है, उनका अगली गौरव दिवस के दिन में उनको सम्मानित किया जाएगा। और सभी को इस सफल कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बेटमा से खबर समय जगत के लिए सुनील मेघाया की रिपोर्ट।